अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूनी किचन एंड व्लॉग्स। जी गाइस, आज से एक स्टार्ट होने लगा है मेरा नया दौर, और ये है डाइटिंग का। मैंने आपको बताया था मुझे चैलेंज दिया गया है, और जबकि मैंने अपना वेट कम करना है, और ये मॉर्निंग का स्टार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा पेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। ठीक है जी, मैंने लेना है जी थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब एक ग्लास मैंने लिया है गर्म पानी। इसमें मैंने शहद डाला है। शहद कोई किसी ब्रांड का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, ये गांव से हमारे आया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो बहुत ज़बरदस्त ये खालिस शहद है। आधी मैंने टेबल स्पून इसमें डाली है, ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि फिर मुझे पिम्पल्स का इशू हो जाता है। ठीक है जी, ये मैंने लेना है नीम गर्म पानी में शहद डाल के। इससे आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, आपका स्टमक सेट रहता है। ठीक है जी, ये एक मैं भर के ग्लास लूँगी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में। साथ ही जी बच्चों की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ऑनलाइन क्लासेस। मैंने लैपटॉप पे बच्चों की क्लास, ऑनलाइन क्लास वाला जो ऐप होती है वो डाउनलोड नहीं की हुई थी, सोचा वो साथ साथ ऐड कर लूँ। और सुबह सुबह बस उठते साथ यही काम होता है कि बच्चों की क्लासेस हैं, दोनों बेटों के साथ ही होती हैं, सारिक और जुरान की। तो एक का मोबाइल पे लगा देती हूँ, एक का टैबलेट पे, तो ज़रा डिफ़िकल्ट होता था, मेरा मोबाइल इंगेज हो जाता था। तो ये कि मैंने सोचा कि ना लैपटॉप पे मैं इसको डाउनलोड कर दूँ, ताकि वो लैपटॉप पे आराम से जो है ना वो अपनी क्लास ले ले। साथ साथ मैं अपना पी रही हूँ जी ड्रिंक, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। और ये इतना होना चाहिए कि आप इजीली इसको सिप ले सके, ठंडा नहीं हो, जितना गर्म होगा जितना तत्ता हो सी उतना अच्छा हो सी। ठीक है जी, जी तो मैं डाउनलोड कर रही हूँ, गूगल क्लासरूम ऐप है, और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बच्चों की क्लास लेना। छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े हों तो चलो खुद भी ये काम अपना कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको मुझे खुद ही देखना पड़ता है ऑल ओवर द डे, तो डिफ़िकल्ट होता है। माशाल्लाह तीनों बच्चों की क्लासेस होना, और उनको ऐप्स निकाल के देना, और उनको डाउनलोड करना, और उनको लिंक भेजना, और मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया। मैं कहती हूँ यार खुदा का वास्ता स्कूल खोल दो, तंग पड़े हुए सब, या फिर वही वाली बात है पागल खाने खोलोगे, हम लोग पागल खाने चले जाएँ या फिर बच्चे घर पर रह जाएँ। तो जी अब सुनने में आया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कभी डेज में खोल जाएंगे स्कूल। और ये मेरा ग्लास ख़त्म हो गया ड्रिंक, मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स भी डाल दें। टाइम देख लें जी, हो गया तकरीबन 11:30, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है तकरीबन 10:11-12, क्योंकि लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, बस यही रूटीन चल रही है बच्चों की छुट्टियों में। जी दोनों लड़कों की क्लासेस हो रही हैं साथ साथ, और मेरी ड्यूटी कभी अंदर कभी बाहर, कद अंदर अच्छो कद बाहर जुलो, तो ये चलता रहता है मेरा। ठीक है जी, और साथ साथ मैं किचन के काम होते हैं वो भी देख लेती हूँ। और जो थर्ड वन है आरिफ, उसकी तबीयत कुछ आज ख़राब थी, बुखार था उसको, बस साथ साथ की क्लासेस फिनिश हुई हैं। साथ साथ मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और पराठे अपने लिए नहीं जी बच्चों के लिए, मैं अपने लाई हूँ ब्राउन ब्रेड, ये वाली ब्रेड है मेरी, और इसके साथ मैं करूँगी ऑलिव ऑयल यूज़। ऑलिव ऑयल ये वाली मेरे पास एक टिन भी पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा लाइट है ऑलिव ऑयल, और आइडियल फॉर कुकिंग, तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा यूज़ करूँगी लेकिन यूज़ यही करूँगी, बजाय कि मैं घी या मैं घर का ऑयल यूज़ करूँ। ठीक है जी, ये बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं जी बच्चों के लिए, और चक्के पराठे खाते हैं तो उनके टिड भरते हैं वरना नहीं भरते हैं, और टिड भी इनके नहीं भरते ज़्यादा, क्योंकि मैं जैसे ही बर्तन धो के कमरे में जाती हूँ मम्मा भूख लग रही, मम्मा कुछ खाने के लिए, तो यार सारा दिन बस इधर खाना पीना ही चलता रहता है। दो स्लाइस लूँगी, और आप देख लें कि दो स्लाइस लूँगी, और तवा जो है बिल्कुल बस यही समझ के ग्रीस हुआ हुआ है, अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं करती हूँ, वो तो मैंने पराठा उतारा है तो उस वजह से हल्का सा ग्रीसी था, ग्रीस भी नहीं करती हूँ, बस इसको हल्का सा सेक लेती हूँ ब्रेड को इस तरह से, मतलब क्रिस्पी हो जाए ज़रा सी, क्योंकि ज़रा तोड़ो तो ब्राउन ब्रेड टूट जाती है, सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, तो बस इस तरह से इसको हल्का हल्का देंगे सेका, ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। ठीक है जी, ये मेरा बन रहा है ब्रेकफास्ट। नाश्ता, नाश्ता मैं अच्छा करती हूँ, कहती हूँ बड़ा जहा कप पहचाना तो वो एक अंडा और दो स्लाइस हूँ। ठीक है जी, ये मेरा बेस्ट नाश्ता है, और अब मैं बनाऊँगी इसमें अंडा। अंडा बनाने के लिए ये ज़रा सा बस ये छाटा लगाना है घी का, ऑयल का, सॉरी ऑलिव ऑयल का छाटा लगाना है ज़रा सा, बस उसमें अंडा डाल देना है, दैट्स इट। और हल्का बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, नमक डाल देना, नमक मुझे तेज़ पसंद है,
मैं कहती हूँ ज़रा नमक ज़रा जितना चंगा हुआ उतना मेरी ज़रा स्वाद अच्छा तो पंजाबी आई होप का आपको समझ आ रही होगी साथ साथ, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है कि जो हर घर स्पेशली पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद में हर घर में बोली जाती है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बस इसको मैं उल्टा दूँगी, जैसे देखें आप चिपका नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है बिल्कुल लाइट से ऑयल में। ठीक है जी, यहाँ पे अपना नाश्ता मैं रेडी कर रही हूँ और फिर अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। दैट्स आगे चलते हैं कि आगे क्या करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने लगी एक मज़े की बात। सुबह मची हुई थी जी अफरा तफरी, ठीक है जी, बच्चों की क्लासेस होती, मेरी मर्जी थी कि मैं जल्दी साथ नाश्ता बना लूँ, और सोचा कौन किचन में जाएगा नाइफ लेकर आएगा कॉर्नर से कट करे रैक के। मैंने अंडा वहाँ से निकाला तो अंडा जो है मेरे हाथ में टूट गया, तो ये देख लें जी ये नज़ारा है। उसके बाद फिर उसको वहीं पर छोड़ा, फिर नेक्स्ट निकाल के फिर मैं भागी किचन में। चलते हैं जी अपना वेट चेक करते हैं और वेट मशीन की हालत चेक करें। जब से चैनल ज्वाइन किया है इसको देखा ही नहीं है किधर है बेचारी किधर नहीं है, तो इसको मैं करती हूँ साफ, इसको इसके ऊपर से डस्ट रिमूव करती हूँ, देन चेक करते हैं अपना वेट कि कितना है मेरा वेट। अल्लाह खैर करे जी, हार्ट बीट हो गई तेज़, ओ माई गॉड, ये देखें जी मेरा वेट है जी मेरा 85.87 है, 85 से अबव है, 87-88 के दरमियान में कुछ है। असल में ना मशीन को भी समझ नहीं आ रहा कि कितना गच्छा खब्बे गच्छा के सजे गच्छा वो भी हैरान हो गई कि ये ऊपर क्या आ गया। तो कोई बात नहीं जी, कर लेंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो, हो जाएगा, बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है, अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब ये रहे जी मेरे पास कैलेंडर, जो मेरी अपनी पुरानी रूटीन थी वो कुछ शेयर करती हूँ। ये मैं अपने पास कैलेंडर रखती हूँ, और चूँकि पता है कि जनवरी जा रहा है और मैंने अपना वेट किया है 11 तारीख को, ठीक है जी। ये कुछ है मोटिवेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं कि आप जैसे आप मोटिवेट होते हो, और आज है 11 तारीख और मैंने अपना वेट किया है जो कि आया है 87.5, कुछ ज़्यादा किया है, हाफ के जी ऊपर कर दिए, कम नहीं किया, चीटिंग नहीं चलेगी, 87.5, ठीक है जी, ये मेरा वेट है। और वेट मैंने अपना अब नेक्स्ट करूँगी आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद तक समझिए कि कितना ही कोई कट होया कि वध होया, तो इंशाल्लाह जी कट ही होगा वध नहीं होगा, और मिशन पे अपने जारी हैं। दुआओं में याद रखिएगा और मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा मुझे कि मुझे और टिप्स बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। वैसे अल्लाह ना शुक्र है काफ़ी मेरी टिप्स अच्छियाँ, क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी ना डाइट में गुजर गई है, और आगे पता नहीं आधी कहाँ गुजरेगी और कैसे गुजरेगी। अगेन हो गया है जी किचन का रुख, और जो नाश्ता किया उसको हज़म भी तो करना है ना, वैसे तो बच्चे मेरे हज़म करा देते सारे दिन में, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ ग्रीन टी, और ग्रीन टी मुझे बहुत सी आती हैं, लेकिन जो मुझे भी कन्वीनियंट लग रही है, जो मेरे पास चीज़ें मौजूद है मैं उसकी बना रही हूँ, और ये मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा उससे आपको इफ़ेक्ट मिलता है, अदरक का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है आपकी बॉडी पे, और आपका जो वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है, आपके फ़ैट बहुत जल्दी बर्न होते हैं। बेस्ट ग्रीन टी है, ट्राई करें जो जो वेट कम करना चाहते हैं, नाश्ते के बाद ये ले लें, रात को डिनर के बाद ही ले लें, बेस्ट है। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करूँगी, कोई K2 डाइट नहीं, कोई टफ डाइट नहीं, नॉर्मल इस्तेमाल करूँगी, कोई इतना हेक्टिक नहीं है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 छोटे से पीसेस डाले हैं अदरक के, और 1 चुटकी मैंने डाला है काला ज़ीरा, ठीक है जी। इसको मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि मैंने 1.5 कप लिया था पानी, और इसको मैंने इतना बॉईल करना है कि तकरीबन ये 1.25 कप मेरे पास बच जाए, टोटल 1.25 कप, ठीक है। इतना मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल किया, और अब ये मैं करूँगी इंजॉय, और इंजॉय करेंगे क्योंकि मुझे आदत हो गई है। वैसे तो कुछ अगर ये लोग पिए तो कहीं यार ये क्या हमसे नहीं पिया जाता, तो मैंने बड़ी कड़वी चीज़ें खाई हैं डाइट की वजह से, वेट लॉस की वजह से, और किया भी है, फिर गेन कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा पंजाबी लोग है खाए बगैर बगैर ऐसा रह नहीं सकने तो ये काम तो चलता रहेगा जी। नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग होके बच्चों को मैं दिन में थोड़ा टाइम देती हूँ, क्योंकि इनका कुछ होमवर्क कंप्लीट करवाना पड़ता है, और बच्चे छोटे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया तो इनको ख़ुद बैठ के करवाना पड़ता है, और हर बच्चे को अलग अलग बिठाती हूँ ताकि हर बच्चे पे अच्छा फोकस हो सके, क्योंकि पढ़ाई पे नो कॉम्प्रोमाइज़। दैन साथ ही जी इनको दोबारा जाग उठी है भूख, इनके लिए बनाने लगी हूँ मैं स्नैक शाम का, आलू मैंने रखे हैं 1 किलो एक आलू होंगे तो ये इनको बहुत मुश्किल पूरे होते हैं, और मैं फ्राई करके थक जाती हूँ तो इनको इनके टिड नहीं भरते हैं तो मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ स्नैक, और ये नगेट्स हैं मेरे पास, नगेट्स इनको फ्राई करके देती हूँ समटाइम, हर दफ़ा डिफरेंट स्नैक होता है, जो नहीं कि हर दफ़ा मैं रोज़ फ्राइज ही बनाती, कुछ दफ़ा
मैं इन्हें क्रैकर्स बना देती हूँ, कुछ दफ़ा इनको नूडल्स बना देती हूँ, मतलब कुछ डिफरेंट इनको मैं ट्राई कराती हूँ, फिर माशाल्लाह खा भी लेते हैं। तो केरेंस के मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी तो बच्चे फेड अप हो गए, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मनोज सलवा के लिए कराती हूँ। दूसरी साइड पर मेरा स्नैक है जब मुझे लगी भूख, क्योंकि मेरा जो ग्रीन टी से है वो खाना पीना हज़म हो गया है, यहाँ पर मैंने एक सेब, एक केला, एक माल्टा और एक खजूर लिया। बहुत बेस्ट आइडियल प्लेट है ये, और आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जी तकरीबन थोड़ी टाइम बाद ही मैंने शाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक कम मुकड़ा था दुआ दूसरे पर खलता होना। तो चावल मैं बना रही हूँ, राइस बना रही, चिकन राइस बना रही हूँ, और मैं भी चिकन राइस ही खाऊंगी, और कोई अपने लिए हैक्टिक नहीं करी, कोई सरदर्दी नहीं पाल रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ अलग बनाऊँ, बनाऊँगी अपने लिए भी अलग, लेकिन चावल या राइस ऐसी चीज़ है कि यार बंदा जिसको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतने लिमिटेड से खाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी। और चिकन पुलाव की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त से पुलाव, चिकन पुलाव हो रहा है रेडी, और बहुत बच्चे खुशी से खा लेते हैं, तो मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि जो हस्बैंड और बच्चे और मैं भी खुशी से खा लूँ। और ठीक है जी हमारे राइस बन रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी यही इंजॉय करूँगी, लिमिटेड क्वांटिटी में खाऊँगी, सलाद ज़्यादा रखूँगी, और रखूँगी जी ज़्यादा रायता साथ ज़्यादा रखूँगी। और ऐसा बंदा डाइट ना करे कि आपको क्रेविंग होती रहे या आप दूसरों की प्लेट्स की तरफ देखते रहो, ताड़ने रहे हो कि हाँ जी कि हम भी खा लेते, काश हम भी खाते। तो दिल को हमें जो है ना वो तरसाना नहीं है, हमने भी खाना है जी। आई रिमेंबर द डेज ऑलवेज एट द सेम प्लेस द सेम पीपल। ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव हो चुका है रेडी, और इसकी हूँ असा खासा था मज़े के साथ इंजॉय कर सा, अपनी प्लेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने सलाद और रायता बना लिया था, और सलाद की क्वांटिटी आप चेक कर लें, ये आगे जी मेरी प्लेट, और इस पर मैं ज़्यादा सा डालूँगी रायता, ये 2 पीसेज है मेरे पास चिकन के, और इस पर मैं डाल दूँगी ज़्यादा रायता और सलाद। ठीक है जी दैट्स इट, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ले रही, इसके जितने मैंने राइस आपको दिखाए इतने ही मैंने लिए थे, क्योंकि पूरी रात होती है तो यार इतने से राइस तो बंदा खा ही सकता है, सुबह बहुत भूख लगती है। खाने के बाद चाय तो बनती है, और चाय बनाते हैं अपने रूम में, कैसे जी कैसे हम बनाते हैं सिलेंडर पे चाय, क्योंकि गैस चली जाती है, तो सिलेंडर पे मैं कमरे में ले आती हूँ, हमने एक सेपरेट सिलेंडर भी रखा हुआ है, ताकि एमरजेंसी के तौर पे हमें अगर समटाइम गैस नहीं होती है, स्पेशली रात 9 बजे के बाद, तो मैं चाय का सामान हस्बैंड को दे देती हूँ, वो फिर चंगी फेंटी फूंटी लगा के ना तो चंगी से चाय काढ़ के तो देते हैं, तो इतना मज़ा आता है, फिर हम लोग सब बैठ के इंजॉय करते हैं, कुछ नट्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने रखी होती हैं। लेकिन अब मेरी ज़रा यू नो थोड़ा कम हो गया है, तो फिर मैं ज़रा कंट्रोल करूँगी। ठीक है जी, ये था मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सी टिप्स मिलेंगी, बहुत सी रूटीन मेरी डेली बेसिस की मिलेंगी, बहुत सी इंटरटेनमेंट मिलेगी, बहुत सी नॉलेज भी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तब तक दीजिए इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।